बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर फैज़ की शायरी के हवाले से है। गुज़श्ता लेक्चर में हमने तीन अशार किए थे, आज हम अगले अशार जो है वो पढ़ेंगे, शेर चहारुम देखेंगे। सबसे पहले, उधर एक हर्फ के कुश्तनी, यहाँ लाख उजर था गुफ्तनी, जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। तो सबसे पहले बच्चों मीनिंग्स पे तवज्जो देंगे। कुश्तनी से मुराद काबले कत्ल, कत्ल के लिए जो है वो छोड़ देना, और गुफ्तनी से मुराद गुफ्तगू के काबिल, यानी जो बात गुफ्तगू के जरिए हल हो सकती हो। और इसके अलावा बच्चों कोई मुश्किल मीनिंग्स नहीं है, मफहूम देखेंगे। सितम घर के हर उज्र का जवाब था, लेकिन उसने कुछ सुने बगैर काबले कत्ल जो है वो कह दिया। तो उधर से मुराद यहाँ पे बच्चों हुक्मरान भी हो सकते हैं, उमरा भी हो सकते हैं, और शायर का महबूब भी हो सकता है। लेकिन इस गजल के हवाले से जैसे कि मैंने पहले आपको अर्ज किया था, इसमें बच्चों जो हुक्मरान तबका है उनके खिलाफ, तरक्की पसंद तहरीक से चूंकि मुंसलिक थे तो उनके खिलाफ जो है ना ज्यादा बात की है कि इनकलाबी शायर थे, मजदूरों की आवाज बने, गरीब की आवाज बने। तो इस वजह से यानी महबूब के हवाले से बहुत कम लिखना है, ज्यादा उनके इस हवाले से, उनके मकसद और उनके जो नजरियात थे उस हवाले से आपने ज्यादा तशरीह करनी है। तो जेर तशरीह शेर में शायर चूंकि एक इनकलाबी शायर थे और तरक्की पसंद तहरीक से मुंसलिक थे, माशरे की तरक्की चाहते थे और माशरे में जो है वो मसावात हो, बराबरी हो, ये चाहते थे, तो गरीब और मजदूर लोगों की आवाज बने। तो बच्चों जब ऐसे लोग होते हैं तो हुक्मरान तबका जो है वो उनका दुश्मन हो जाता है और कभी भी नहीं चाहता कि ऐसे लोग आगे आए जो गरीबों की आवाज बने और गरीबों का हथियार बने। तो इस वजह से जब फैज ने इन अपने नजरियात को सामने किया तो फिर बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैज के साथ जुल्म सितम करने शुरू कर दिए और उन्हें जेल बंद कर दिया गया और उन्हें मुल्क से भी जो है वो मुल्क बदर भी किया गया। तो काफी इल्जामात उन पर लगाए गए, जैसा कि लियाकत बाग कत्ल में उन्हें कसूरवार ठहराया गया, इस तरह जनरल अयूब के खिलाफ जो बगावत हुई थी, जो तलबा ने जो है उनके खिलाफ नारे लगाए थे, तो ये कीचड़ भी इन पे डाल दिया गया कि ये जी फैज के काम है, इसने ये तालिब इल्मों को उकसाया है। तो इस वजह से इनको जेल बंद कर दिया गया। तो इसलिए शायर जो है वो कह रहा है कि मैं उनकी हर बात का, हर उजर का जवाब दे हूं, मुझसे जवाब तलब करें, मैं जवाब देने के लिए काबिल हूं। लेकिन वो कहते मेरा जवाब सुने तो तब है ना, वो कहते मेरा जवाब उजर सुने बगैर ही वो क्या कहते हैं, मुझे काबले कत्ल ठहरा देते हैं। तो शायर कहते हैं इसमें जहर है, किसी को सजा दी जाती है तो उसकी बात सुनी जाती है, अपनी सुनाई जाती है फिर उसकी सुनी जाती है। तो शायर कहता है कि मैं तो उनके एतराजात के हजारहा जवाब रखता था, लेकिन शायर कहता है वो मेरी बात सुने तो तब है ना, अगर मैं उन्हें बात सुनाता हूं, अगर मैं उनके एतराजात का जवाब देता हूं तो वो सुनकर बेइतनाई करते हैं, वो सुनी अनसुनी कर देते हैं, ठीक है जी। और अगर मैं कुछ तहरीरी तौर पर उनको सनद पेश करता हूं कि ये देखिए जी मैं तो इस तरह का बंदा नहीं हूं, मैं तो ये बात कहता हूं, मैं तो ये मेरे तो ये नजरियात हैं, मैं किसी के खिलाफ बगावत नहीं करता, मैं किसी को गलत नहीं कहता, मेरे अपने नजरियात हैं कि अमीर तबका जो हुक्मरान तबका है वो गरीबों पर जो जुल्म सितम कर रहा है ये नहीं होने चाहिए, मेरी तो बात ये सादा सी है, मैं किसी फौजी के ऊपर जो है बगावत का या इस तरह के जो है इल्जाम जो है वो मैं नहीं लगाता, मेरे तो बस ये इतने से नजरियात हैं, मैं तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हूँ, इनकलाबी शायर हूँ, माशरे में तरक्की देखना चाहता हूँ, माशरे को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, नई नई इस्तलाहात चाहता हूँ, मेरा तो बस यही मकसद है। तो कहते हैं यार जब ये तहरीरी तौर पर ये देता हूँ तब भी नहीं सुनते, यानी मेरी बात सुनी अनसुनी कर देते। इस हवाले से अगर आप वो शेर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, उनने मेरे नाले को कसदन ना सुना होगा, उसने उनने मेरे नाले को कसदन ना सुना होगा, गर
सुना होगा, इस हवाले से वो शेर थोड़ा जो है वो भूर है। तो आप ये शेर बच्चों लिख सकते हैं। तो शायर कहता है, मेरी जो बातें हैं, मेरे जो नजरियात हैं, आप उन नजरियात को जो है वो बगावत जो है वो नहीं कह सकते। ये तो मेरे नजरियात हैं जो मैं गरीबों के लिए आवाज उठाता हूं। तो इस हवाले से बच्चों ये शेर आप लिख सकते हैं। फरियाद से मुराद बगावत ना लीजिए, फरियाद से मुराद बगावत ना लीजिए, इतना तूल ना दीजिए छोटी सी बात को। इसके बाद बच्चों हम अगले शेर की तरफ आते हैं, शेर पंजम की तरफ आते हैं। जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। तो बच्चों मुश्किल भी नहीं, इसमें इतने नहीं है। कोहे गिरां को कहते हैं भारी पहाड़, और इसके अलावा कोई मुश्किल भी नहीं है। मफहूम की तरफ आएंगे, हमने अपनी जान की बाजी लगाकर रहे यार को यादगार बना दिया। तो ज़ेरे तशी शेर में शायर एक मुसम्मम इरादे करने वाला, एक पुख्ता इरादों के मालिक से रोशनास करा रहा है शायर, यानी अपनी तरफ इशारा कर रहा है। शायर कहता है, जब हम अपने मकसद को लेकर, जब हम अपने नजरियात को लेकर आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो शायर कहता है फिर हम सीसा बिलई दीवार बन जाते हैं। जैसे एक भारी भड़कम पहाड़ होता है, बड़ा पहाड़ होता है, तो वो उसको कोई अपनी जगह से सिरका नहीं सकता, हिला नहीं सकता, हटा नहीं सकता। तो शायर कहता है, जब मैं अपने मकसद की तरफ चल पड़ूं, जब मैं अपने नस्बुलैन की तरफ चल पड़ूं, तो शायर कहता है फिर मैं सीसा पिलाई दीवार बन जाता हूं, फिर मुझे अपने मकसद से, इरादे से कोई नहीं हटा सकता। यानी दरअसल शायर जो है वो इनकलाबी शायर थे, तरक्की पसंद तहरीक से मुंसलिक थे, चाहते थे कि माशरे में जो गरीब तबका है वो आगे बढ़े और सबके साथ जो है वो मसावी सलूक किया जाए। तो इस वजह से जो उस दौर के हुक्मरान थे, जो उमरा का तबका था, वो फैज का दुश्मन हो गया था। तो इस वजह से शायर कहता है कि मुझे इतना आसान मत लें, जो मेरे नजरियात हैं, जो मेरा मकसद है, जो मेरा नस्बुलैन है, वो ऐसे नहीं है, उसको आम मत समझो। अगर मैं अपने मकसद को लेकर ठहर जाऊं तो मैं भारी पहाड़ की तरह हूं, सीसा पिलाई दीवार की तरह हूं, फिर मुझे अपने रास्ते से कोई नहीं हटा सकता। और अगर शायर तहरीर करता है कि मैं इस रास्ते पर मकसद को हासिल करने के लिए, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ गई, तो शायर कहता है मैं अपनी जान की बाजी तक लगा दूंगा, लेकिन अपने मकसद से, अपने नस्बुलैन से पीछे नहीं हटूंगा। तो इसी तरह शायर तहरीर करता है कि रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। तो इस हवाले से जब आप खारजी हवाले से लिख रहे होंगे, तो इसमें शायर कहता है कि हमने जो गरीब लोग थे, जो गरीब आवाम थे, उनके लिए चाहे हम मर गए हैं, लेकिन उनके लिए हम अपनी निशानियां जो है वो छोड़े जा रहे हैं, उनको हमने यादगार बना दिया है। मैं चाहे मर जाऊंगा, लेकिन मेरा जो मकसद है वो मैं मकसद पीछे छोड़े जा रहा हूं, वो हमेशा हमेशा उनके लिए जिंदा रहेगा। तो थोड़ा सा मजाजी हवाले से भी बच्चों अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो शायर तहरीर करता है कि मैं एक सच्चा आशिक हूँ, इस फैज के एक सच्चे आशिक की दास्तां मिलती है। बातूनी आशिक नहीं है जो बड़ी बड़ी बड़े मारते हैं, शेख चिल्ली की तरह बातें करते हैं, जिन्हें तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ले हुए, ऐसी बात नहीं है। शायर फैज के हैं एक सच्चे आशिक की दास्तान, वो कहते हैं अगर हम अपने इश्क में खड़े हो जाएं तो फिर हम पहाड़ के मानद हैं, फिर हमें कोई नहीं हटा सकता। हाँ अलबत्ता जान की बाजी भी लगानी पड़ जाए तो हम जान की बाजी भी लगा देंगे। तो इश्क को, इश्क हमेशा जिंदा रहेगा, हम चाहे मर भी जाएंगे। तो इस हवाले से बच्चों शेर भी लिख सकते हैं। खेल कोई उम्र भर ना खेले, खेल कोई उम्र भर ना खेले, हम जो खेले तो जान पे खेले। तो हमारा आज का मौजू बच्चों खत्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह बच्चों हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।